देखते हैं आज की बड़ी खबर। कैबिनेट ने जारी किया पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को दी जा सकेगी सजाए मौत की। जी हां, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पॉक्सो एक्ट की धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव अप्रैल में लाया गया था। अध्यादेश कानून मंत्री के मुताबिक संशोधन से बाल शोषण के बढ़ रहे मामलों पर लगाम लग सकेगी। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट के तहत अब दोषी को सजाए मौत दी जा सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को कानून में संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक इस संशोधन से बाल शोषण बढ़ रहे मामलों पर लगाम लग सकेगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है बदलाव। कानून मंत्री ने कहा एक्ट में नया संशोधन बच्चे के तनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इससे बच्चों की सुरक्षा और गरिमा बनी रहेगी। मकसद सिर्फ बाल शोषण और उसकी सजा के बारे में स्पष्टता स्थापित करना है। पॉक्सो एक्ट 2012 यौन उत्पीड़न और अश्लीलता पोर्नोग्राफी अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कानून धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 14, धारा 15 और धारा 42 में संशोधित किया जाएगा। कठोर दंड का प्रस्ताव। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक एक्ट की धारा 4, धारा 5 और धारा 6 में बदलाव कर सजाए मौत की समेत कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा ताकि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। और कानून मंत्री ने बताया कि बाल पोर्नोग्राफी के खतरे को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधित प्रस्ताव है। इसे नष्ट करने या हटाने या बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग नहीं करने पर भी जुर्माना लगेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस इंडिया।